हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दिन में रात हो चुकी है, 3-4 बजे का टाइम था, समय था। तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले के जैसे मैं आपसे शेयर करती रही हूँ बारिश का मौसम, तो आज की बारिश भी आप लोगों के साथ शेयर करने बनती है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर बारिश का मौसम, तो इन्जॉय करें बारिश। और किन किन के यहाँ पे आज बारिश हुई तो बताना। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी करौंदे का अचार, और कुछ लोग इसको छोंके हुए करौंदे भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे करौंदों को मैंने छोटे छोटे नहीं, 2 टुकड़ों में काट लिया है, और साथ में हरी मिर्च को काट लिया है। ये पाव भर करौंदे हैं। और यहाँ पे मैंने मसाला लिया, ये जीरा और थोड़ी सी हींग है, और मेथी दाना, सौंफ और राई, ये 1-1 चम्मच है चारों चीज़ें, और जो हींग है वो 1 पिंच है। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने मंदी सी आंच पर हल्के से गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं करना, बस हल्का सा गरम करना है ताकि पीसने में थोड़ा आसानी हो जाती है, और इसमें बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। तो जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाता है तो मैं इसको मिक्सर जार में दरदरा पीस लूँगी। आप देख रहे हो जितनी देर में मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने एक बार भी पॉज करके नहीं वीडियो बनाई, तो मैं उतना ही टाइम लगता है बनाने में अचार। तो आप देख सकते हो कि मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में, 1 से 2 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच रहते ना, बस वही 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और ये सरसों के तेल में ही बनाना है। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो, तेज गरम नहीं करना, हल्का गरम हो, तो उसमें जो हमने मिर्च और करौंदे काट के रखे हैं वो उसमें ऐड कर देंगे जी। तो हल्का सा इसको भुनेंगे, और जो मसाले हमने दरदरे पीस के रखे हैं वो डाल देंगे साथ ही में, और इसको आधे से 1 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच छोटे वाला नमक का, और चौथाई हिस्सा मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। चौथाई हिस्सा मैंने इसलिए लाल मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी ली है। ये इंस्टेंट अचार है, आप तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं। लीजिए जी, अपना अचार बनके तैयार है। बस इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी 1 मिनट के लिए, और गैस कर दूंगी बंद, और ये खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो है प्लीज लास्ट तक देखा करें, स्टार्ट करके वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत बंद करा करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल बिल्कुल भी मोनो नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। तो बताना आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और जब आपने ये अचार घर पे बनाया तो कैसे बना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।